नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। आपके लिए आज इन्फिनिटी वन एकेडमी एक नई पहल कर रही है जिसमें आप लोगों को बहुत लाभान्वित होगा। और जैसा कि हमने बहुत सारे ट्यूटरों को देखा है कि यूपीएससी लेवल या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन शुरू करके उन्होंने अपनी पाठ्यचर्या को कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन हमारा आपसे प्रॉमिस है कि पेपर से पहले आपको पूरी तरीके से कंप्लीट मिलेगी यह हिस्ट्री की कक्षा, जिसमें हम इन सारे पहलुओं को बात करेंगे, सारे मुद्दे को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें की तरफ आकर्षित करते हुए, यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी और सारी कक्षाओं आपको समय से पूर्व मिल जाएगी। और इसमें हम जिन पहलुओं पे आज बात करेंगे कि इतिहास हमको क्या क्या देखना है, तो एक आध सिलेबस की हमारी और कक्षा डलेगी जिसमें हम सारे बातों को क्लियर करेंगे कि और आपको हिस्ट्री की कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी पड़ेंगी और किन माध्यमों से हमने करा है, सोर्स हमारा क्या होगा, सारी चीज़ों का हम इसमें समावेशन करेंगे, इंक्लूजन करेंगे। जिसमें यह हमारा हिस्ट्री का सिलेबस आज मैं डिस्कशन करूंगा, इसकी और भी है, जिसमें हमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी एंड अदर वन डेज एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में हमारी आज, जिसमें आज हमने इसमें मुख्यतः सबसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा जिसमें लोक सेवा यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आज हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि हम इनके इतिहास के सिलेबसों के बारे में, हिस्ट्री के सिलेबसों के बारे में आपको अवगत करवाएं, जिसमें हम 2003 यह आपके लिए न्यू ऑफर है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका परिवार और बड़ा हो सके और यह कंपटीशन की कक्षा आपको समय समय से आपको अवगत होती रहेगी। तब तक हम इसमें चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इतिहास जो होता है वह तीन यानी घटनाओं का क्रम माना जाता है। और जिस इतिहास में हमको तीन घटना पढ़ना है, एक एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से, शिद्दत से, पूरे जद्दोजहद से और पूरे मोहब्बत से इन बारीकों को समझेंगे कि इनमें क्या क्या हमको देखना पड़ता है, क्या क्या कमी होती है। या हमारी जो रिसर्च है, या हमने बहुत सारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की अगर बात करें, तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से हमने अभी तक लगभग 10 से 15 सालों के बीच जो ईयर हैं, इनके बीच में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हिसाब से यह सिलेबस आपको मैंने कोशिश करी है कि आपको देखते हैं। लेकिन इसमें जो कमी आई है, उन कमी को हम निचोड़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देते हैं जिसमें कि जो प्राचीन भारत का इतिहास, इनको इतिहास को कहा तीन कालखंडों में बांटा गया है, और एक और कालखंड जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम मुख्यतः इनमें अपनी चेष्टाओं को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जैसे प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया, यूपीएससी लगभग 40% इससे उससे अधिक ना तक इसमें पूछती है, टू एंशियंट इंडिया नो यू कल्चर फैक्ट, उसमें कल्चरल फैक्ट क्या क्या होते हैं, जो कल्चर चली, सभ्यता चली, उनके बारे में। उसके बाद फिर बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि वर्ल्डली इंपॉर्टेंट, जैसे हमको किन किन बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, कालक्रम जिसको हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं, क्रोनोलॉजी के बारे में, वंश की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनेस्टी किसने करी है, जैसे हमने देखा था आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करी गई, इसी तरह से हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना करी गई। तो उसी तरह से हम विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं जिसमें डायनेस्टी पीरियड को हम देखेंगे, इनका लगभग इसमें सेंचुरी लगभग आपको पता होना चाहिए, और जिससे आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इन सब बातों का आपको मोटा मोटी है, तो आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट ले सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि जो यूपीएससी एग्जामिनेशन होती है या
दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन होती है उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड 50% काम करता है, और जो आपकी नॉलेज होती है इन्हीं सब नॉलेज को निचोड़ करके आप किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी पैटर्न को समझ सकते हैं कि उन जो प्रीवियस ईयर से जो उनकी कक्षाएं ली गई है उनमें क्या क्या खूबी रही है, क्या क्या रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम मध्यकालीन में बात करते हैं फिलहाल, और आगे है इसमें, लेकिन मध्यकालीन में जब देखते हैं तो लेस देन क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट की जाती है, ज़्यादातर इसमें नहीं भी होता है। प्री के समय आप इसको छोड़ भी सकते हो तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हो कि 50-55% आपके लिए मोर देन इनफ होता है। लेकिन इसको भी मोटा मोटी कुछ जैसे जानने की ज़रूरत है, जैसे दो तीन इसमें आप जैसे कोई भी धर्मों का उदय वगैरह, रिलीजियस उत्थान वगैरह, इन सब के बारे में, मुगल वगैरह, उसके बाद आप अंग्रेजों मुगल इन दोनों को मिला करके वहां तक आप अगर कीजिएगा तो आपका वहां पे बात बन जाएगा। फिर आगे देखिएगा समय काल क्रम टाइम पीरियड के बारे में, दो बातों का ध्यान इसमें हमेशा रखिएगा, एक समय काल क्रम जो किसके समय में क्या हुआ, कौन से उनके राजा थे इनके बारे में, फिर शासकों का चरित्र कैरेक्टर ऑफ अ रूलर क्या थे, शासकों का केंद्रीय चरित्र क्या था, मेन कैरेक्टर्स ऑफ रूलर कैसे थे, रूलर्स पॉलिसीज क्या थी, रूलर्स पर्सनालिटी क्या थी, मतलब चरित्र उसके विचार सोच विजन दृष्टि कैसी थी, रूलर्स व्यू विजन इनके बारे में भी अच्छे तरीके से अगर आपकी नॉलेज होगी तो आप वहाँ पे फुलफिल कर सकते हो, अटेम्प्ट किया जा सकता है। आधुनिक भारत की अगर चर्चा करते हैं, मॉडर्न इंडिया, तो लगभग इनका वेटेज हर साल ज़्यादा रहा है और इसमें 60% तक, और मैं कहूँ 60-70%, उसमें से भी अगर बात करते हैं तो जैसे विदेशियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, कंपनीज रूल्स इन इंडिया, इन चीज़ों को 1765 से अगर हम बात करते हैं तो 1947 तक अगर हम बात करते हैं किस तरह से गांधी का आगमन हुआ, उससे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ना 1885 में हुई, किस तरह से हुई, उससे आगे बढ़ते बढ़ते मॉडर्न इंडिया तक हम पीरियड तक चलेंगे, जिनमें से भी ज़्यादा वेटेज फ्रीडम मोमेंट को दिया जाता है कि जो ये दो सब दो तीन चीज़ों का, जिसमें एक 1857 की जो रिवोल्ट और रिवोल्यूशन के बीच में जो कंट्रडिक्शन होती है उसको भी हम चर्चा करेंगे क्या क्या था, 1942 भी देखेंगे, उसके बाद हम उससे पहले देखेंगे 1935 भी एक्ट देखेंगे, इन सब किस तरह से सब चीज़ों का गठन हुआ, कैसे कैसे लॉ लाई गई, लॉ फॉर्मेशन हुआ, लॉ से किन सब चीज़ों पे रूल हुई, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं कि हम जनरल टॉपिक में सामान्य क्वेश्चन जो 15 के आसपास तक उठे हैं, जिसमें टॉपिक जैन बौद्ध को अच्छे तरह से गहन अध्ययन करके और बारीकी से अध्ययन करें, ताकि जो यूपीएससी का प्रस्पेक्टिव रहा है अभी तक पूछने का ट्रेंड, वह दिन प्रतिदिन क्रिटिकल होते जा रहा है और वह अंदर से अंदर जाकर भी क्वेश्चन को एनालाइज करने की प्रयास करते हैं। उसके बाद जैनिज्म और बौद्धिज्म पे 1 से 3 क्वेश्चन हमेशा जटिल प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग पूछे जाते रहे हैं। सामान्य दर्शन में, सामान्य दर्शन की अगर बात करते हैं उनके बारे में, दर्शनों के बारे में, यह जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए कि सांख्य दर्शन क्या है, उसके बाद वैशेषिक दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, लोकायत क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं भक्ति काल, द्वैतवाद यानी नॉन डुअलिज्म, और द्वैतवाद द्वैतवाद यानी डुअलिज्म, सूफी दर्शन सूफिज्म जो उनके दर्शन है उसके बारे में, संगम निगम काल जो देखते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रमुख संत वगैरह कौन कौन से हुए, इम्पोर्टेंट संत उनके बारे में हमारी जो भी नॉलेज है वह ओवरऑल होनी चाहिए। उसके बाद तब जाकर के आप कहीं भी प्रिडिक्शन करने के योग्य होते हैं कि आप एक दूसरे क्वेश्चन को टैली कर करके फिर उसके बाद उसको करते हैं। फिर आगे देखिए मेरे दोस्तों, फिर इसमें है प्रमुख संतों की विचारधाराएं क्या थे, आइडियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट संत, उसी तरह से देखते हैं गुफा निर्माण शैली, जैसे हमने भीमबेटका की गुफा वगैरह देखते हैं उन गुफा निर्माण की शैली वगैरह क्या है उसके बारे में, मंदिर निर्माण की कला क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर उसके बारे में कौन कौन सी है, उसी तरह से मूर्ति निर्माण की भी कला है स्कल्पचर, जिसमें हम देखते हैं गांधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, इनमें जितने भी बनी जहां जहां भी आपको मूर्ति के अवशेष मिले हैं या जो भी आपको मिलते हैं
इसके बारे में आप अच्छे तरीके से वहां से क्लियर करें, फिर आप मैं इसको और भी अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूंगा, प्रयासरत रहूंगा आपकी सारी समस्याओं को हल किया जा सके। फिर राजस्व व्यवस्था पे तो फोकस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पर राजस्व को भी देखते हैं कि राज्य की प्रोन्नति कैसे हो। तो हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था का रेवेन्यू स्टाइल में, जैसे गुप्त काल यानी गुप्त गुप्त पीरियड, जो उसके बाद चोला डायनेस्टी, फिर इसी तरह से देखते हैं मुगल ईरा रेवेन्यू सिस्टम उसके बारे में, ब्रिटिश ईरा रेवेन्यू उसके बारे में देखते हैं, और टैक्सेस जो कभी अकबर के समय, कभी बाबर के समय या अन्य शासकों के समय जो चलाने वाले टैक्सेस से, या यूं कहें एक और इसमें नाम ऐड कर लीजिए जो शेर शाह के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बिहार का शेर भी कहा जाता है, शेर शाह के नाम से हम जिनको जानते हैं, और इन्हीं के ज्यादातर जो शासन काल रहा है 1540 से लेकर के 45, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। यह आप फोकस करेंगे तो आपको मेंस के समय ज्यादा यह काम आएगा। ड्यू टू रीजन, रीजन है कि जो अकबर था, इतनी बड़ी मुगल साम्राज्य को, जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य को फैलाने का काम करा, लगभग इन्होंने शेर शाह से ही, यह बहुत कुछ इनके आगे चलने वाले जो अनुशासन करे उससे इन्होंने सीखने का काम करा और आगे बढ़ाया भी, और अच्छी पकड़ भी उनकी हुई। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं ब्रिटिश ईरा रेवेन्यू, हमने देखा टैक्सेस, उनके नाम और किस शासक के, इन सब चीजों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें देखना है साउथ में, विशेष ध्यान देकर के हमें ध्यान से इसे पढ़ना होगा, जैसे वंश, नाम, संस्थापक कौन थे उसके बारे में, जैसे ब्रिटिश के इंडिया आने से यानी सत्ता स्थापित के बाद उनकी आर्थिक नीतियाँ और क्या थी, उसके प्रभाव क्या थे, इन्फ्लुएंस क्या थी, खासकर भारत की कृषि व्यवस्था का प्रभाव, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद भारतीय कारीगर पर क्या प्रभाव पड़े, जो कि हाथों से अपने हाथ करगी वगैरह इन सब के माध्यम से जो बुनाई कटाई करते थे उन पे क्या प्रभाव पड़े, आयात निर्यात पर प्रभाव क्या थे, जैसे उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या था, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में। और इसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में ज्यादातर ध्यान देना है। उसके बाद वंश डायनेस्टी के बारे में, स्थान, स्थान का नाम, मंदिर, स्थापत्य कला, गुफा, राज्य, या जो चर्चा में रहते हैं इन पर विशेष हमको फोकस करके चलना है, और करेंट आपका इन्हीं सबसे क्लियर होता है कि जो चर्चा में है उसको यूपीएससी ज्यादातर पूछा करती है। मेन पॉइंट अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, सम्राट जो हुए चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, उसकी इन सब के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, फिर गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति हो गए। साउथ की तरफ चलते हैं, चोल पल्लव के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट्स के बारे में, इनके बारे में ज्यादातर फोकस रहे हमारा। फिर विजयनगर साम्राज्य पर शासन कला उसके क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व महत्वपूर्ण विद्रोह कौन थे, इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स बिफोर फ्रीडम मूवमेंट, इन सब चीजों को देखना होगा। महत्वपूर्ण विद्रोह कौन थे, 19वीं शताब्दी का सांस्कृतिक पुनर्जागरण उसको देखना होगा। फिर हम वर्ल्ड वाले में भी पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें अमेरिका में, फिर से यूरोप में किस तरह से पुनर्जागरण हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं 19वीं शताब्दी क्या, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उसके बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या थे, आर्य समाज क्या था, ब्राह्मण समाज के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ज्योतिराव फूले समाज सुधारक उनके बारे में, प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन इससे राइज होता है, इसलिए दोनों में अच्छे तरीके, सारी चीज आपको अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, इसके बारे में हमारी चर्चा होगी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन यानी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या थे, होम रूल आंदोलन क्या थे, इंडियन होम रूल आंदोलन, खिलाफत
खिलाफत इनमें होम रूल में यानी विसेंट वगैरह इनके बारे में हम अच्छे तरीके से पकड़ पर ला देंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन क्या थे, उसी तरह से बढ़ते हैं पार्लियामेंटो सुधार क्या थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1935 को विशेष अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर इनके बाद हम हिस्ट्री को आगे बढ़ते हुए, हिस्ट्री आप देखते हैं इनमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिक्स हो जाता है 1919 और 1935 में। उसी के बाद हम देखेंगे बंगाल विभाजन को अच्छे तरीके से, क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे, खिलाफत एवं सहयोग आंदोलन और सहयोग आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 35 इसी में शामिल है सभी ने, अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और मार्लेमेंटो सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन सब पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। फिर जाकर के हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो इन ओवरऑल अभी तक जो प्रस्पेक्टिव रहा है यूपीएससी का, इन एग्जामिनेशन, इन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से या अन्य स्टूडेंट से अच्छे कवर अप में पाएंगे और आपके लिए एक बैकबोन का काम करेंगे। तो जल्द ही हमारी कक्षा आपको मिलने लगेंगी और वह बिल्कुल निःशुल्क होंगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों को भी अच्छी पकड़ हो सके। और तब तक के लिए हम जय भारत, जय हिंद।